पार्टी, बलराम पार्टी, आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है उसका? मैं आज हम लोग इतने दिनों से हैं, 2 तारीख से धरना है। धरना से पहले भी हमने प्राइम मिनिस्टर, सीएम, जॉइंट सीपी, सीपी, एलजी, गवर्नर जितने भी थे, और हमने ह्यूमन राइट्स को भी लेटर लगा दिया था, और हमारा लेटर ऑलरेडी 2011 से पेंड है। पेंडिंग हो करके भी हम लोगों ने इतने दिन, जब हमने हार धार के धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया है, जब हमने सबको लेटर लगा दिया, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने 2 तारीख से, 2 अप्रैल से बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना मोदी जी से, ना केजरीवाल जी से, ना एलजी साहब से, ना जॉइंट सीपी सीपी साहब से, ना हमारे मानवाधिकार ह्यूमन राइट से। हमने सबको लेटर लगा दिया है, लेकिन किसी ने आज तक के सुनवाई करने के लिए, फिर हमें हार धार करके बैठना पड़ा है यहाँ पे। जो अब बस आप ही लोगों का आस है कि आप लोग जरा हमारा खबर पहुँचाए ह्यूमन राइट्स को भी, और पीएम साहब को भी, और सीएम साहब को भी, जो देखेंगे ये कि क्या हो रहा है। क्या कुछ तकलीफें हैं आपको, क्या मांगे हैं आपकी? मैम, तकलीफ से भरी तो पूरी दुनिया ही है। ना बच्चों के लिए बाथरूम है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ये बाथरूम है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है। ऐसे हम लोग रह रहे हैं जैसे रिफ्यूजी के लिए भी इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कैंप बना कर देखे हैं। मजनू टीले पर चले जाइए, पाकिस्तानियों के लिए, रिफ्यूजी के लिए बहुत अच्छा कैंप बनाया है इन्होंने। जो बाहर से आते हैं उसके लिए तो इतनी सारी फैसिलिटी, और हम इंडियन जो अंग्रेजों के ज़माने से ही रह रहे हैं यहाँ पे, खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो हमारे पास प्रूफ है 1912-13 से हम लोगों को ये ज़मीन अंग्रेज़ों ने दी गई थी, उस टाइम से हम लोग खेती कर रहे हैं। 1912-13 से हम लोगों को ये ज़मीन अंग्रेज़ों ने दी गई थी, उस टाइम से हम लोग खेती कर रहे हैं। और उस टाइम तो डीडीए पैदा भी नहीं हुई थी, ना डीडीए के पास कागज़ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। हम पूछते हैं डीडीए, तो आप लोग इनलीगल रहते हो। अरे भैया, किस तरह से इनलीगल रहते हैं? बाढ़ रहित क्षेत्र में रहते हैं। 1954 में पहला वोट पड़ा था, उस टाइम वोटर लिस्ट खंगाल लीजिए, आपको मिलेगा उस टाइम यहाँ के आदमी का वोट। और आज भी आप वोटर लिस्ट निकाल लीजिए, आज भी यहाँ के वोटिंग पढ़ रहे हैं, वो भी दिखाई देंगे उनको। और कागजों की बात है तो कागज़ बाढ़ रहित क्षेत्र है, यहाँ तो कागज आते और जाते रहते हैं। हम तो कितने कागज़ बनाएंगे और कितने कागज डूबेंगे वो तो पता ही है, उन्हें भी पता ही है चीज़ कि बाढ़ रहित क्षेत्र है, कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं। फिर भी हम इस ज़मीन को सींच करके अच्छे से अच्छा फल सब्जी उगाया है हमने, पूरे दिल्ली को खिलाई है हमने अपने खेत से, पालक हो, मूली हो, कुछ भी हो, हमने पूरी दिल्ली को सस्ते सब्जी दी है। फिर भी पता नहीं उनको, सिर्फ लालच है इस चीज़ का कि ये महंगी ज़मीन है, इसमें वो बड़े बड़े फ्लैट बनाना चाहते हैं और अच्छी पैसे कमाना चाहते हैं। डीडीए वाले का नहीं है ये ज़मीन, डीडीए तो उस टाइम पैदा भी नहीं थी, जिस टाइम हम डीडीए से पहले से हैं हम लोग, ये है। आप एक बात बताओ, कोई भी आदमी नोटिस तो आता है ना कि आपको इस चीज़ के लिए कोर्ट में आना है, नोटिस तो दिखाओगे आप कौन से कोर्ट में केस चल रहा है, कौन से में क्या चल रहा है, हम लोगों को तो मालूम ही नहीं। ऊपर ही ऊपर वकील भी उनका, जज भी उनका, कोर्ट भी उनकी, तीनों चीज़ उनकी, हमारे को तो पता ही नहीं चलता। जिस दिन बुलडोजर लेके आते तो हमें पता चलता है कि आज हमारे घर में बुलडोजर टूटने वाला है, हमें तो इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलती। वो हमें नोटिस में चिपका के नहीं जाते कि भैया आज आपके यहाँ पे जीसीपी चलना है या वहाँ थाने से परमिशन आ रही है, आपको क्या कहना है। हमें तो ये भी नहीं पता कब जीसीपी आती है, कब हमारे घर तोड़ के जाते हैं। उनका तो जब इच्छा हुआ वो एक नोटिस लेके आया, कोर्ट से ऑर्डर है। अरे भैया, किस चीज़ का ऑर्डर है, हमें दिखाओ तो सही, हमें बताओ तो सही, किस चीज़ का ऑर्डर है ये? ये चारों मिले हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट, डीडीए और दिल्ली पुलिस, ये चारों मिले हुए हैं, और चारों की नज़र में ये ज़मीन है। ये चारों मिले हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट, डीडीए और दिल्ली पुलिस, ये चारों मिले हुए हैं, और चारों की नज़र में ये ज़मीन है। ये ऐसा नहीं है कि एक चारों स्तंभ पे उनको पता है ये ज़मीन लेनी है, और ये बंदरबांट हो रहा है इस ज़मीन का, हमारी ज़मीन का बंदरबांट हो रहा है, हमारी ज़मीन का बंदरबांट हो रहा है। घरों को उजाड़ा है इन्होंने, और खेती बाड़ी सब छीन ली है। कोर्ट में जाते हैं, वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, और किसी के पास, मोदी के पास, केजरीवाल के पास, जो भी जितने विधायक हैं, नेता है, सबके पास हमने लेटर लगाए हैं, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं है, हमें कोई जवाब नहीं मिला। अब मतलब हमें बिल्कुल यहाँ से भगाने के लिए, बिल्कुल रोड पर लाने के लिए उन्होंने मजबूर किया, इसलिए अब हम धरने पर बैठे हैं। आते हैं डीडीए वाले, आते हैं पुलिस फोर्स भी लेके आते हैं, और बुलडोजर लाते हैं, बस हमें एक बोलते हैं, फटाफट अपना सामान हटा लो वरना हम तोड़
तोड़ देंगे। और जब सामान नहीं निकाला, 5 मिनट का भी टाइम नहीं दिया, उन्होंने बिल्डोजर चला दिया, हमारे घर में जो सामान था सब तोड़ दिया उन्होंने, बच्चों के जो स्कूल बैग थे, उनकी ड्रेस थी, मतलब सब ऐसे तहस नहस कर दिया कि हमारे बच्चे ना स्कूल जाने के लायक है, ना हम कुछ खाना बना सकते हैं। इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, उसमें हम बच्चों को लेकर ऐसे पड़े हुए हैं, मतलब कि हमारे पास जब कोई रास्ता नहीं बचा है, हमारा बहुत बुरा हाल हुआ है, तब जाके हम इस धरने पर बैठे हैं। कहते हैं कि सामान निकालो, ना निकालते थे ऐसे हमको तोड़ते हैं, और बच्चों को ही भगा देते हैं घर से, हमें भी भगा देते हैं, चार चार पाँच पाँच जने खींच खींच कर। अब बताओ हम कहाँ जा मैं और कहाँ सो मैं, कहाँ रहते, नंगे उगाड़े बारिश पड़ रही है, भीज रहे हैं कपड़े, भीज रहे हैं रजाई, भीज रही हैं कपड़े, भीज रहे हैं खाना दाना ही सन गया, मट्टी में मट्टी का खाना खा रहे हैं। पहले तो ये था कि साल डेढ़ साल में तोड़ जाते थे, पर अब ये हो रहा है कि महीना भर नहीं बीतता, वो थोड़ा बहुत हम जुगाड़ कर लेते, उसे भी वो तोड़ के चले जाते हैं। महीना में दो दो दफा तोड़ रहे हैं। और यहाँ क्या एक NGT रूल लिया है कि यहाँ की जो कृषि होती है, जो फसल होती है, वो जहरीली होती है, उसे बीमारियाँ फैलती है, उसे मत करो, उनसे पूछो, अगर वो ना करे किसान तो वो क्या खाएगा, क्या कमाएगा, वो फसल उगाना बंद कर दिया है, मना कर दिया है कि जहरीली, हम भी तो यहीं रह रहे हैं, हम भी खा रहे पी रहे, हम तो नहीं बीमार पड़े, और आज तक आप भी नहीं बीमार पड़े, ये तो एक बहाना है कि किसान यहाँ से कैसे भी उखड़ जाए। पहले कह रहे थे खाली फ्लाईओवर बनेंगे, रोड बनेंगे, अब उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया है कि पार्क भी बनेंगे, नहर बनेंगे, मतलब अमीर आदमी के लिए तुम इतनी सुविधा कर रहे हो, और हम जैसे गरीबों के लिए तुम रहने के लिए मतलब कच्ची छत भी नहीं रहने दे रहे हो, हमें बिल्कुल ही बेबस कर दिया है, मतलब एक जानवर से भी ज़्यादा, बिल्कुल तरस नहीं है, कोई वो भावना नहीं है कि हाँ यहाँ पे भी बच्चे हैं, औरतें हैं, मतलब जीवन है जैसे जीवन ऐसे ही पड़े हैं, कोई सुविधा नहीं है। जब हमारी किसी ने नहीं सुनी, कहीं भी सुनवाई नहीं, तो ये भारतीय किसान यूनियन बलराज भाटी है, ये यूनियन टीम हमारे साथ आई है, इन्होंने हमारे लिए खड़े हुए हैं, ये तो हौसला बढ़ाया है इन्हीं के, उससे फिर हम भी हमारी भी हिम्मत बढ़ी है, तो हम अब इनके साथ बैठे हुए हैं, ये हमारे साथ है, और हर तरह से मतलब कि इन्होंने ये कर दिया है कि अब कहीं से कहीं का नहीं छोड़ेंगे, निकाल के छोड़ेंगे। मोदी जी भी इतनी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को एक बार नहीं देख रहे हैं, किसानों के लिए कहते हैं ना कि हमने ये दे दिया वो दे दिया, क्या हमारे लिए कुछ नहीं है, आके देखें ना यहाँ पे खेती बाड़ी छीनने के लिए बैठे हुए हैं हमारा सब कुछ। अब जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता। मेरा नाम मिल्खा शर्मा है, जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर पहले मकान थे, हमारे मकान तोड़ दिए, तो मजबूरन हमें झुग्गियाँ बनाने के रहने पड़ रही है, और हमारी बार बार जो DD वाले आके खेत हमारे खेत को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी फसलें ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो किसान हैं बहुत परेशान रहते हैं, और हमारे घर तोड़ देते हैं। गर्मियों में लोग यहाँ उधर दर दर भटकते हैं, धूप लगती है, कई लोग यहाँ पे कुछ भी साधन नहीं है, इसलिए हम ये धरना दे रहे हैं ताकि हमारी आवाज़ उठे, ये आवाज़ उठेगी तो सरकार तक पहुँचेगी, ताकि सरकार हमारी बात को माने, इसलिए यहाँ पे धरना रखा गया है। अगर हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी, तब तक ये धरना नहीं हटेगा, चाहे कोई भी कुछ कर ले, हम इतना ही चाहते हैं कि आप हमारी मांगे पूरी करें। क्या कारण है जिससे वो बार बार DD आपकी झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं? हमारे DD है ना तो तोड़ दे रहे हैं कि सरकार भगाने चाह रहे हैं, हम लोग भागने नहीं चाह रहे हैं, कैसे भागें आप, जब हम लोग को मकान नहीं दिए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी कहाँ रहें, इसी वजह से हम लोग नहीं जाएंगे, अपना लेके जाएंगे। हाँ, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, सब कुछ है, यहाँ और सब कुछ है, हम लोग को भगाया जाए तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, कहाँ जाएं, गरीब आदमी, बच्चे छोटे छोटे पढ़ाई कर रहे हैं, सर सामान दबा देते हैं, सर सामान खोद के दाब देते हैं उसको।